तो गाइस सबसे पहले आप साइड में देखो, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इस पर 1,70,000 फॉलोवर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप अकाउंट की रीच चेक करोगे तो 16 मिलियन की अकाउंट की रीच है और आप देख सकते हो व्यूज भी अच्छे खासे मेरी रील्स पर आते रहते हैं, हजारों में, लाखों में, और काफी वीडियोस तो मेरी मिलियंस में गई हुई है, 30-30 मिलियन गई हुई मेरी वीडियोस पे व्यूज। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप भी अपने रीच को बढ़ा सकते हो। अगर आपकी अकाउंट की रीच एकदम डाउन हो चुकी है, 200-300 अकाउंट की रीच हो चुकी है, तो भाई चिंता मत करना, आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी 4 टिप्स बताऊंगा, ऐसी 4-5 टिप्स आपको दे दूंगा जिनको आपको फॉलो करना है। अगर आप ये 4-5 टिप्स फॉलो करते हो, 100% आपके अकाउंट की रीच बढ़ेगी, आपके फॉलोवर्स बढ़ेंगे और आपके व्यूज भी अच्छे खासे आने लगेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। बात करते हैं सबसे पहले टिप्स की। अगर एक ही जैसा कंटेंट आप बार बार पोस्ट कर रहे हो तो आपको वहां पे रुक जाना है, आपको कुछ यूनिक करना है, आपको अपने फैंस को अलग कुछ दिखाना है, क्योंकि एक ही जैसी चीजें बार बार देख करके लोग बोर हो जाते हैं। अगर मैं आपको एक ही पिक्चर बार बार दिखाऊं तो आप भी वो पिक्चर बार बार नहीं देखोगे, बोलोगे भाई 10 बार देख रहे पिक्चर, फिर तो मुझे 11वीं बार दिखा रहा है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, एक ही जैसा कंटेंट आपको बार बार पोस्ट नहीं करना है। ठीक है, आपको लोकेशन चेंज करनी है, जगह चेंज करनी है, ये सब करके आपको ध्यान देना है कि आपका जो ऑडियंस है वो क्या चाहती है। तो इन बातों को आपको फॉलो करना है कि एक ही जैसा कंटेंट आपको नहीं बनाना है, यूनिक कंटेंट बनाने की आपको कोशिश करनी है। अब बात करते हैं सेकंड टिप्स की, डेली पोस्ट करनी है आपको। ठीक है, एक भी दिन आपको मिस नहीं करना है, पर डे आपको रील पोस्ट करते जाना है। अगर आप ये सोचोगे कि भाई व्यूज़ नहीं आ रहे, रीच नहीं बढ़ रही, तो भाई पोस्ट डालना छोड़ देता हूँ, फिर एक हफ्ते बाद ही आप डालते हो एक वीडियोस, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। रीच आए या ना आए, व्यूज़ आए ना आए, आपको पर डे रील पोस्ट करती रहनी है, पर डे रील पोस्ट करते रहना है। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इंस्टाग्राम भी ये नोटिस करता है कि भाई ये बंदा कितना रेगुलर बना हुआ है, और जो रेगुलर बना हुआ होता है इंस्टाग्राम उसी को ज़्यादा आगे बढ़ाता है, उसी की रीच आपको इंक्रीज होती हुई मिलेगी। तो आपको भी क्या करना है कि रीच अगर आपको बढ़ानी है तो पर डे आपको पोस्ट करनी ही पड़ेगी। अब बात करते हैं तीसरी टिप्स की, आपके जितने भी फॉलोअर्स है उसमें लाइव जाया करो। ठीक है, लाइव जितना जाओगे लोग आपसे उतने ही इंगेज होंगे। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके फॉलोवर 10,000, 20,000, 5,000, 6,000 भी फॉलोवर है तो आपको लाइव जाना है। जितना ज़्यादा आप अपने फ्रेंड्स से जुड़े रहोगे, फैंस से जुड़े रहोगे, उतनी ज़्यादा आपको एंगेजमेंट बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा आपकी रीच बढ़ेगी। तो इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। अब बात करते हैं चौथी टिप्स की, आपको दूसरों के वीडियोज़ पर कमेंट करना है। जितना ज़्यादा आप दूसरों के वीडियोज़ पर कमेंट करोगे उतनी ज़्यादा आपकी एंगेजमेंट और रीच बढ़ेगी। और दूसरों पर जब वीडियो पर जब आप कमेंट करो ना, तो कुछ यूनिक कमेंट करना, कुछ हंसी मजाक वाला कमेंट करना, ताकि लोग उसको देख करके हंसे और उस पर ज़्यादा देर रुके और लाइक करें उस कमेंट को। जब उस कमेंट को ज़्यादा लाइक मिलते हैं ना, तो वो कमेंट सबसे ऊपर आ जाते हैं, और जब कमेंट सबसे ऊपर आ जाएगा तो लोग जा करके देखेंगे बंदा ये कौन है। कैसी बातें कर रहा है, तो वो जा करके आपके रील्स को देखेंगे और जा करके वो आपकी आईडी भी चेक करेंगे कि यहाँ बंदा कौन है, तो हो सकता है आपको वो फॉलो भी कर ले अगर आपका कंटेंट उन्हें अच्छा लगेगा। तो गाइस वीडियो में यहाँ तक आ गए हो तो एक इंपॉर्टेंट बात भी आपको मैं बता देता हूँ। अगर आपकी अकाउंट की रीच बिल्कुल नहीं बढ़ रही है, सब आप ट्राई कर चुके हो, व्यूज बिल्कुल नहीं आ रहे, आपके अंदर पेशेंस नहीं है, तो आप एक चीज़ और कर सकते हो, आप अपने रील्स को बूस्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम ने एक नया फीचर दिया है जिसमें आप अपने पैसे दे करके अपने अकाउंट की रीच को बढ़ा सकते हो, अपने मतलब पोस्ट जो भी आप डालोगे उसको आपको प्रमोट करना है इंस्टाग्राम के थ्रू। इंस्टाग्राम ने नया फीचर दिया है तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, यहाँ से भी आपको अच्छी इंगेजमेंट बढ़ जाएगी, बस कुछ पैसे खर्च होंगे। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप ये काम कर सकते हो, बस मैं इतना बताना चाह रहा था। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।